What's up guys, welcome and welcome back to my channel. This is me, Swati Asthani. I hope you guys are doing absolutely great. As you guys know through my Instagram and my vlogs that I am on an Australia tour with my husband. तो अभी जो हम सिटी में थे वो था मक्का है, मतलब इतनी 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 अलग सिटी है, मतलब इसकी पॉपुलेशन लिटरली 80,000 से भी कम है, जो हमारे इंडिया के किसी गांव में होती है. गांव आई मीन गांव में भी इससे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. बट कितनी मतलब यार बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ की जगह का. मतलब यहाँ पर लोग ही नहीं है, आप किससे बात करोगे, क्या करोगे. इट्स काइंड ऑफ थेरेपी ऑल्सो, मतलब एकदम शांत पीसफुल, यू नो, पीपल हु कम फ्रॉम इंडिया उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है. सो इट्स गोइंग टू बी फन इफ यू ऑल वॉच दिस व्लॉग. आगे आगे देखो कि मतलब हाउ वी स्पेंड आर टाइम एंड एवरीथिंग. एंड लेट मी नो, एक क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप लोग ऐसी कोई जगह पे स्टक हो जहां पे बहुत कम लोग हैं तो हाउ इज गोइंग टू बी योर व्यू एंड हाउ यू गाइज आर गोइंग टू स्पेंड योर टाइम. ओके, सो वॉच दिस व्लॉग अहेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा. दिस इज आवर ब्यूटीफुल सुइट, सब कुछ दिया है, खुद करना है. वी हैव वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग. Airbnb types लग रहा है. You also feel so? Show me what's outside. Oh, we got a nice view. आवाज गूंज रही है मेरी, यहाँ जनता ही नहीं है इसलिए मेरी आवाज इतनी गूंज रही है. Nice view though. Let me go in. Okay. ये है हमारा छोटा सा living room. This is our bedroom. छोटा सा TV. Okay, चलो. मिरर लंबा है तो ठीक है. ओके, वॉशरूम. वेयर इज द लाइट, आई डोंट नो, बट दिस इज द वॉशरूम. एंड वुड वी हैव श्योर. ओके, ओ अच्छा, यहाँ से घुस के सीधे यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं. नाइस. अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए. ये मैं सोच रहा हूँ सेम आउटफिट में क्यों इतने दिन से घूम रहे, क्योंकि मैं आज ही व्लॉग शुरू कर रही हूँ. अभी हम आए हैं, अभी मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया. वी आर गोइंग टू ईट समथिंग, भूख लगी है. गाइस इट लुक सो ब्यूटीफुल, देखना कितना सुंदर दिख रहा है कैमरे में. ओ छुट्टी हो गई क्या? अच्छा चर्च है, सॉरी. वाओ इट्स सनसेट टाइम मैन, वाओ वाओ. कुछ दिन तो मेरा वाओ ही नहीं रुकेगा यहाँ पे आके. लेट्स सी वेयर वी गोइंग. सॉरी जगह निकल गए हैं हम. यहाँ पे भी दिवाली वाइब्स चल रही है क्या? नाइट क्लब. ओह अच्छा, यही तो है, इसी का तो आया है. चलो चलो यही है. क्रूज नहीं, क्यूजीन है बुबू. मुझे लगता है सब कुछ बंद है आज. लेट्स सी इफ वी गेट समथिंग टू ईट. लकीली हमें मिल गया है इंडियन क्यूजीन हियर, तो ऑर्डर कर दिया हमने हमारा खाना. नाइस वाइब. वी ऑर्डर्ड पनीर मशरूम समथिंग फॉर मी एंड बिरयानी एंड चपाती. आई थिंक खाना बिलो एवरेज है ना, आपको वैसा लगा? एवरेज फॉर मी इट्स बिलो एवरेज. रोटी भी रोटी नहीं है, मतलब बनी बनाई उन्होंने उसको ना बस तल के दे दिया. डिनर इज डन एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग. ये क्रिसमस के लिए सजाया है, दिवाली के लिए सजाया है, मुझे नहीं पता. इनकी तो कोई दिवाली नहीं है वैसे. गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑफिशियली डे वन इन सिंगापुर बोलने वाली थी, डे वन इन ऑस्ट्रेलिया. सो वी आर गोइंग. कल रात में तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ही सो गई, मतलब मुझे याद ही नहीं मैं कब सोई. मैं सो चुकी थी. रहने दो. हैं, 8:30. इमेजिन मैं 8:30 बजे सो गई. वाओ, तो मैं तो इतनी जल्दी सो गई थी कि बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी. मतलब मैं बेड पर लेटी और बस डन एंड डस्टेड. तो वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रेकफास्ट, क्योंकि होटल का ब्रेकफास्ट वी डिड नॉट लाइक मच. सो वी आर गोइंग आउट. वॉच योर मौसम, ऑप्शन नहीं था ऑनेस्टली. इफ वी ऑनेस्ट तो फिर कुछ था ही नहीं. तो फिर वी आर गोइंग आउट टू ईट समथिंग. बहुत सनी 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 वाला डे लग रहा है मेरे को. लेट्स गो, लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू बी. बाहर जाके ब्रेकफास्ट देखते हैं, कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं. मुझे दिखाना सुबह सुबह. मैं सबसे पहले रेडी हूँ. इनको क्या है, मेरे ऐसे क्या वीडियो, तो तुम जब मर्जी बना लो. बाद में
वैसे कोइंसिडेंस है भी गाइस, नहीं नहीं कोई कोई इंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस ही है। तो ठीक है फिर आपने कॉपी किया नहीं, जैसे अभी मैं अभी इन्होंने मुझे बताया तो मैंने नोटिस किया। ओह ये गाइस ट्विनी, दिखाओ दिखाओ ट्विनी, ये इनका है ये मेरा है। वाओ पता चलना चाहिए ना, घूम जाए तो पता चल जाना चाहिए लोगों को कि ये दोनों साथ में है, समझे। Guys, our breakfast is here. This is what they call big fat breakfast. Is this a big fat breakfast? अगर इंडिया में होता ना टेबल भर चुके थे बिग फैट से, 10 पराठे 10 दही की कोली, ऐसा पराठा ऐसा ब्रेकफास्ट होता। Anyway, this is what we eating here. Yellow. So guys, breakfast is done और अब हम जा रहे हैं to get some groceries. Groceries तो क्या क्या है, some fruits and all. So एकदम पास में है स्ट्रीट मार्क्स, सिडनी स्ट्रीट मार्क्स, सिडनी मैंने सही बोला था इन द मॉर्निंग, वेलकम टू सिडनी। तो अभी हम जा रहे हैं कुछ खाते हैं। इतनी क्वाइट है यार ये जगह, मतलब एकदम ही शांत है, लोग भाग ही नहीं है यहाँ पे, एकदम खाली खाली। अब देखा घसड़ के यहीं गिर जाओगे, घसड़ के यार क्या प्रॉब्लम है, पैर उठा के तो नहीं चलते। एक बात बताओ, खड़े रहो, हमें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, क्योंकि अभी रेड नहीं हुआ ना। अच्छा हमें उस तरह जाना, इस तरह जाना है, जाना कहाँ है पता नहीं यार, एक बार तू उसमें। सो गाइस वी हैव टू गो देयर, वो है हमारी डेस्टिनेशन। अभी लाल तो हुई है बट हम जा नहीं रहे, अभी 2 मिनट सांस लेके फिर जाएंगे। हाँ जी जवाब चाहिए जनता को कि आप टांगे उठा के क्यों नहीं चलते, अभी नहीं है। हाँ जी तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये जगह है कैसी, इतनी इतनी क्वाइट है भाई, जनता ही नहीं है, मतलब इतनी खाली और इतना पोल्यूशन फ्री है, इतनी पोल्यूशन फ्री है जैसे कि क्लाउड्स इतनी आसानी से दिख जाते हैं, इतनी पोल्यूशन फ्री क्योंकि लोग ही नहीं है। ऑफ कोर्स देखो क्लाउड्स ऐसे लगते हैं कि मतलब कॉटन कैंडी है तोड़ के खा लो मतलब इतना इतनी आसानी से दिख जाते हैं, तो बहुत ही खाली कितना शांत है देखो सब कुछ। आई मीन कहते हैं आजा आजा आजा, हाँ पहले भाग जाती हूँ मैं। तो मतलब बेसिकली ऐसे है यहाँ पे कम लोग। मैंने अपने पैर पर आज वो पहना है, फूड कॉर्न हो गया मुझे तो मैंने इतनी पट्टियाँ लगाई। गाइज हम यहाँ के डी मार्ट आ चुके हैं यहाँ के डी मार्ट में से भी बाय समथिंग। हाँ बचपन से यहीं रहती हूँ ओके गाइज मेरा शॉप समथिंग नाउ, हेलोवीन रेडी। हाँ वही पहन के दिखाओ, बाइंग अ कॉस्ट्यूम फॉर हिम। या शाबाश, वेल डन वेल डन। गाइस देख लो जो चीज़ उन्होंने मेरी निकाल दी थी वहाँ से, वहाँ मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ लेके आए, मुझे लगा कि मुझे घर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, छोटा वाला है क्या, तो मुझे ये लेके आए। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। Turn left onto Gordon Street. So guys, we are back. इतने भागते भागते आए क्योंकि नवदीप को 11:45 को जाना था जिम के लिए विद द टीम, सो हम भागते भागते आ गए वापस से। एंड वी गॉट सम ग्रॉसरीज फॉर अस क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे वेरी लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं हमें, सो वी वॉन्ट फ्यू थिंग्स टू बी विद अस, सो जब भी भूख लगे तो कुछ खा लो। हियर इज माई बैग, लेट मी शो यू व्हाट आई गॉट। आई गॉट अ चीरोस एंड ऑफकोर्स ऑल थैंक्स टू माई हस्बैंड जिन्होंने मुझे ये याद दिला दिया। ये सारी बाय द वे लेट मी टेल यू गाइज, सिंगापुर में देर इज सम प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर ऑल द सिक्योरिटी चेक एंड एवरीथिंग वो वापस से सारी चीज़ें देखते हैं बिफोर बोर्डिंग टू द गेट, ठीक है, और सारी चीज़ें निकाल देते हैं। मतलब अगर 100 ml की कोई चीज़ है, मतलब कोई क्वांटिटी है, तो यूजुअली ये होता है कि 100 ml में, ओह मेरा हाथ दुख गया एक मिनट,
सो यूजुअली होता है कि अगर 100 ml की कोई चीज़ है और उसमें 100 ml जितनी क्वांटिटी नहीं है, मतलब कोई दूसरे एयरपोर्ट पे होता है, तो वो लोग जाने देते हैं कि ठीक है. तो ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए. अगर यहाँ पे तो ये होता है कि अगर 100 ml लिखा हुआ है तो चाहे वो 10 ml भी बचा वो फेंक देते हैं. और मेरी इतनी बड़ी सेटाफिल की क्रीम 250 ml उन्होंने फेंक दी, मतलब अभी एकदम न्यूली परचेज थी. उसमें मैंने अभी आई थिंक उसको एक ही बार एक दो बार यूज़ किया था आने से पहले, वो उन्होंने फेंक दिया. मेरा फेस वॉश फेंक दिया, सब कुछ उन्होंने फेंक दिया. सो ऑफकोर्स आई हैड टू रश एंड गेट फ्यू न्यू स्टफ फॉर मी. एंड सिंपल का फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं ले आई यहाँ से. तो एटलीस्ट जो मुझे मेन चीज़ चाहिए थी वो हम ले आए. एंड वी ऑल्सो गॉट सम बैरीज फॉर स्मूदी एंड सम मोर बैरीज एंड कॉफी. दैट्स ऑल ये लाए. Guys, I just finished watching Bollywood Wives, the final and the last episode, of course, and I literally binged to watch it. I didn't want it to end because I like the gossip, to be honest, because I'm one of those, not like I mean to say that, you know, I kind of like gossips. ऐसा क्यों होता है when you are in other country, you constantly speak in English? मेरा हिंदी vlog है, I have to speak in Hindi. I need to remind myself this. तो मैंने अभी अपना बॉलीवुड वाइफ्स देख के खत्म कर दिया. आई वांटेड मोर सीजन ऑफ इट. वैसे मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा. आई एम नॉट इवन प्रमोटिंग इट, जस्ट इट्स जस्ट दैट यू नो जस्ट द वे आई लाइक कोरियन ड्रामा. आई एंजॉय वॉचिंग दिस एज वेल. पीपल शुड स्टार्ट अ सीरीज. कौन था इसका डायरेक्टर, अभी मैं वो पढ़ रही थी. एंड दे शुड स्टार्ट अ सीरीज काइंड ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ and then see our life, me lying there and vlogging everything. ऐसा कुछ होना चाहिए. What do you think? You guys should vote for this. है ना, ऐसा कुछ करो यार प्लीज. कोई बनाओ. I don't think where will I be, क्योंकि of course cricketer wife में भी बहुत सारे लोग हैं who are ahead of me, but I am more interesting, I'm telling you all. I skipped my lunch, so अब मैं सोच रही हूँ I'm running myself this mocha coffee जो मैं अभी लेके आई थी. Let's see how this tastes. It's 98% sugar free. तो 2% क्यों छोड़ा भाई, फुल्ली शुगर फ्री बना देते. Let's see how this tastes. Coffee is ready. I'm enjoying the view. Look at this view. मैंने कहा ना क्लाउड्स तो ऐसे हैं कि तोड़ के खा लो. Cheers. तो guys, I've come for a walk all alone. क्योंकि मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं. और इतना प्यारा वेदर हो रहा है ना, बहुत अच्छा. So I'm all alone on this road. It looks beautiful. Back from walk, what a beautiful evening. I mean, इतना मज़ा आया अकेले वॉक करके. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट फिर मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम न्यू इन दिस सिटी. और अभी देख लो बाहर कितना अंधेरा हो गया, मतलब इतनी. ये मैंने बताया. अच्छा नहीं तो लोग कुछ सोचेंगे अकेली जा रही है. हाँ बट ऐसे कुछ नहीं है, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड आई कैन गो. हाँ बट जाना चाहिए, इसमें क्या है. तो बट इवेंचुअली बात ऐसी थी, अगर मैं ये घर पे होते तो ऑफकोर्स हम दोनों साथ में जाते हैं बिकॉज वी लव गोइंग ऑन अ वॉक टुगेदर. तो वैसे तो ये जिम गए थे और तो फिर मैं वॉक पे गई थी. इतना मज़ा आया, इतना सनसेट, इतना प्यारा व्यू था. वाह वाह वाह, मज़ा. नहीं जब आपको ज़्यादा मज़ा आता है ना तो मज़ा हो जाता है, नहीं तो इट्स जस्ट मज़ा है ना, ऐसे ही होता है. तो ओ ओ ओ हाँ, तो बट रात बहुत हो गई थी और यहाँ पर ना कोई लोग ही नहीं है. आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिटी. आई मीन ऑफ कोर्स कोई तुझे कमेंट करके ये बता दे, ऐसा करो ना, अब आपने जानने है तो सर्च मार लो कितनी है. हाँ ऐसे नहीं करते, बट मेरे लोग बहुत प्यारे हैं. अकेले अभी जब मैं डिनर करने जाऊंगी देन आई विल वॉक एंड कंप्लीट माय 10,000 स्टेप. इवन इफ आई हैव टू वॉक इन द लॉबी आई विल डू दैट एंड कंप्लीट माय 10,000 स्टेप. आई एम ऑन अ मिशन. थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट. आई एम गोना अभी मैं थोड़ी देर में डिनर पे जाऊंगी तो बाय. हु इज कुशा कपिला? अभी आपने क्या बोला? मैंने इनको पूछा डू यू नो कुशा कपिला, तो कहते क्या कोई खाने पीने की चीज है. भाई कोई कुशा कपिला एक नाम है, वो खाने पीने की चीज कैसे हो सकती है? कपिला कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई लिक्विड वाली बोतल. ऑफ कोर्स कुशा कपिला इज नॉट वॉचिंग दिस, बट दिस इज सो फनी. कुशा कपिला एक लड़की है, कहते कोई खाने की चीज है, हद हो गई. वैसे मैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करने वाली थी, अब बात का ही मजाक बन गया. हद कर दी यार आपने, हद. कहते कुशा कपिला ऐसा लग रहा है मैंने पैर से पेचा लड़ाया.
इतने वो बांधे हुए हैं गाइस, रेडी फॉर डिनर, गोइंग फॉर डिनर, बाय। बहुत भूख लगी, यू गाइस स्किप माय लंच एज वेल, सो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। हम हेलो गाइस, देखो आज मेरी वाइफ ने ना कि ये सोचा कि आज 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, ठीक है, हम डिनर भी करा है, इसके 10,000 स्टेप पूरे नहीं हुए, फिर हम रूम में चले गए, फिर भी ये कह रही थी कि नहीं स्टेप पूरे करने हैं, ऐसी बहाने से नीचे ले आई स्टेप पूरे करने के, ये देख लो मैं तो बैठा हूँ और ये सिर्फ आज आज ही होने वाले हैं, उसके बाद कभी नहीं। फिटनेस फ्रीक है ना ये, जी देख लो नौटंकी, सिर्फ आज आज की है ये कि 10,000 स्टेप पूरे करने हैं, कोई नहीं कल तो मैं बता ही दूंगा। मैंने तो कहा था जाओ पर आप गए नहीं। इसको पता था कि अगर ये ऐसे वॉक करके वॉक करने जाएगी तो मुझे साथ आने ही आना है। बस 1,000 और बचे हैं, बस कहती 1,000 और बचे हैं। आपको तो प्राउड होना चाहिए, शाबाश। हाँ हाँ, मेरे को एक ही दिन का प्राउड होना चाहिए ना। पर एक चीज़ है, यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइम पे ठंडी हवा चल रही है और ये सिर्फ ऐसी है कि हाँ वेदर अच्छा हो गया तो इसलिए इसको लगा कि चलो वॉक कराती हूँ जाके ना, 10,000 का तो बहाना है बस।